सेतु बंद करेंगे आप, सेतु बंद, डायरेक्शन चेंज करनी पड़ेगी। भस्त्रिका के साथ मूल बंद लगा हुआ, तीन बार करेंगे। धीरे से कमर को नीचे लेके आते हैं, जब समाप्ति करते हैं पटकते नहीं है कमर को। पहले भस्त्रिका करो, फिर कपालभाति करो, मूल बंद तीनों में लगा हुआ और तीसरे में प्रॉपर मूल बंद लगा के रुको। एक साइड ही होए, देख ले किसका किस साइड, एक ही साइड हो वीडियो में। हाँ ठीक है, पहले टांग को उधर लेके आना है। एक दो तीन, घुटना ना मुड़े, चार पाँच, एक दो तीन चार पाँच, पाँच पर और चला लो, एक दो तीन चार पाँच। साइड चेंज करेंगे, साइड चेंज करें, एक दो तीन चार पाँच, एक दो तीन चार पाँच। अब लेफ्ट से करेंगे, पहले अपना पूरा करके फिर आगे कर दिया करो। नहीं देखते हैं साइड वाले जो कर रहे हैं छोटे कुछ शुरू हो जाते हैं अपने, वो चाहे काउंटिंग तीन तक की हुई हो अपनी। दोनों टांगों से एक साथ थोड़ा फास्ट फास्ट कर लें इसको। लेटने की पोजीशन भी अपनी सही किया करो, कोहनी पूरी जमीन पे, कान हमारा हथेली, हथेली के ऊपर हमारा कान स्थिति सही होनी चाहिए, पूरे विष्णु जी का पोज। चलिए सीधे लेटेंगे, सीधे लेट के मरकट आसन के रूप करेंगे, दो दो बार करेंगे तीनों रूप, कपाल भाति के साथ मूल बंद लगा हुआ, अमरूद के पत्ते चाप लो, अमरूद के पत्ते चापो। अच्छा,
सेकंड पार्ट भी दो दो तीन तीन पार्ट हो रहा है। हो गया तीनों रूप तीन तीन बार। दोनों टांगों को सीधा करेंगे, लंबी गहरी सांस का विश्राम। पहले सीधे लेट के एक लंबी गहरी सांस भरेंगे, पूरे शरीर में एनर्जी भरेंगे इस सांस के साथ, और इसी सांस के माध्यम से देखेंगे कि कहीं कोई नस नाड़ी तो नहीं ब्लॉक रह गई अभी, जिस नस नाड़ी में मूवमेंट नहीं हुई। मन की आंखों से देखेंगे एक बार और ताड़ासन करेंगे साथ साथ। अगर कहीं पे कोई ब्लॉकेज रह गई होगी तो वो खुल जाएगी। दो हिस्सों में बांटे शरीर को, खींचे नीचे की तरफ, ऊपर का हिस्सा ऊपर की तरफ। दोनों हाथों को आपस में रब करते हुए बैठेंगे।